मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना के माँ कह दे मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना के हो सकती हो। अरे करण क्यों? क्योंकि इस दुनिया में कोई मां ऐसी नहीं है कि जो जन्म देने के बाद में अपनी संतान को अपने आप से अलग कर दे। और तुमने तो पांच पांच पुत्रों को इतना लाड़ प्यार सम्मान दिया है। अगर ये करण भी आपका बेटा होता तो आप करण को अपने आप से अलग नहीं करती। करण, मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी कि मैंने तुझे अपने आप से दूर रखा। अगर मुझे ये पता होता कि एक ऐसा वक्त आ सकता है कि जब मुझे तेरे सवालों का जवाब देना पड़ेगा, तो पुत्र शायद मैं ऐसा कभी नहीं करती। हे राजमाता कुंती, अगर ऐसी कोई लाचारी, ऐसी कोई मजबूरी तुम्हारी रही, तो फिर मैं उसको जानना चाहता हूँ कि ऐसी क्या मजबूरी थी। जानना चाहता है? बिल्कुल। सुन ले मेरी बात। पाया था मंत्र पे विश्वास कर्या था मन सूरज पे अजमाया
किसी को नहीं बता पाई थी। पुत्र के लिए मोह जागा, प्यार जागा, तो आज वो करण को बताई कि बेटे मेरी क्या मजबूरी थी, तू जानना चाहता है तो बताती है कि जिस समय मैं कुंवारी थी, एक रोज का जिक्र महल में दुर्वासा ऋषि आया था, वशीकरण मंत्र सेवा कर दुर्वासा से पाया था, उस मंत्र पे विश्वास करया ना वो सूरज पे अजमाया था, ना मिटे ऋषि के वचन करण मने न्यू कुंवारी ने जाया था, और ऐसा कर्म करण वाली को इस जग में कौन भला कह दे, मेरा मन भर जाएगा मान करण मुझे कुंती ना के माँ कह दे। अगर रागनी अच्छी लग रही है तो मैं जोरदार ताली आपकी तरफ से जरूर होनी चाहिए। बताती है कि बेटे तू मेरी कुंवारी अवस्था की संतान है, मैंने तुझे जन्म तो दे दिया लेकिन कितना बड़ा अपराध कर चली। कैसे बताती भला, जब बेल हाथ से भोती में लोक लाज और भय के कारण गात रहया न सोती में, करण सौंप के आई तने में गंगा जी की गोदी में, आदरणीय सतीश कौशिक जी कोलीला से, जिनका प्यार और आशीर्वाद हमेशा हमको मिलता रहा है, 100 रुपए से हमारे कलाकारों का भी सम्मान बढ़ा रहे हैं और 1100 रुपए इस गौशाला कमेटी के लिए भी, गौ माता के लिए भी दे रहे हैं। एक बार जोरदार ताली हो जानी चाहिए। यहाँ के रिश्तेदार भी है, वैसे ब्याहे हैं यहाँ पर आदरणीय सतीश जी, मैं उनका बार बार धन्यवाद करता हूँ। आइए कैसे बोला, आदरणीय शेर सिंह जी मुंडन वाड़ा गौशाला के संस्थापक, उन्होंने भी 100 रुपए से सम्मान बढ़ाया, और आदरणीय दलीप सिंह जी थानेदार मुंडन वाड़ा से, वो भी 100 रुपए से सम्मान बढ़ा रहे हैं, उनके लिए बार बार धन्यवाद। मैंने तुझे सब कुछ बता दिया। हे राजमाता, कहिए करण, जब आपने मेरे जन्म से जुड़ी हुई इतनी गहरी सच्चाई मुझे आज बताई है तो फिर अपने मन में कोई भी बात छुपा करके मत रखना। अगर और भी कोई मेरे जन्म से मेरे जीवन से जुड़ी हुई कोई सच्चाई हो तो उससे भी मुझे अवगत करा दो, क्योंकि मुझे तो आज तक यही पता नहीं कि मैं किसकी कोख से पैदा हुआ, मैं क्षत्रिय हूं या शूद्र हूं। मैं तो अपने आप को हमेशा शूद्र मानता रहा, तरह तरह के अपमान सहता रहा, लेकिन आज आपने आकर के मुझे यह बताया है। अब से पहले भी अगर आप मुझे इस बात का भेद बताती तो बहुत अच्छा होता, आज ये नौबत नहीं आती। लेकिन मैं फिर भी करण, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मैंने तो जीवन का सबसे बड़ा पाप कर दिया अपने पुत्र को खुद से अलग करके, लेकिन मैं आज सब कुछ तुझे बता रही हूँ, सिर्फ एक बात ही सुनना चाहती हूँ कि तेरे मुंह से एक बार मां शब्द सुनना चाहती हूँ पुत्र। पहले मुझे बिल्कुल पूरी तरह से ये सच्चाई महसूस करने लगा है मेरा मन, मुझे लग रहा है कि हाँ आपके सामने हो सकता है इतनी बड़ी मजबूरी रही हो, लेकिन अब कुछ भी जो भी मेरे जीवन से जन्म से जुड़ी बात कहनी कहिए, कहिए। सुनिए मेरी बात, नहीं पे राग है तू। लटन सिंह ने कहे राज बले, मेरे कर्म का
शांत हो, मेरे पेट की आग है तू। खाके मरू कटार जो हटके, खाके मरू कटार जो हटके, कुंती तेरी जमा के है दे। मेरा मन भर जा कमाल करण मुझे, कुंती ना के मां कह दे। मेरा मन भर जा कमाल करण मुझे, कुंती ना के मां कह दे। मैं सब तरिया लाचार हुई हो, सब तरिया लाचार हुई, मेरा दिल रोवे जन क्या कह दे। मेरा मन भर जा कमाल करण मुझे, कुंती ना के मां कह दे। मेरा मन भर जा पसंद आई तो जोरदार ताली आपकी तरफ से हो जानी चाहिए। और साथियों इस